नमस्कार स्वागत है आपका द पड़ाकू पर मेरा नाम है बबीता अहीर और हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति संख्या पद्धति में हम आगे चीज़ें समझेंगे हम अब तक जान चुके थे वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्याएं पूर्णांक नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं है ना सारी चीज़ें भाज्य अभाज्य देख चुके हैं आज हम आगे समझने वाले हैं उन चीज़ों को समझिए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं मैंने आपको बताई थी वास्तविक संख्याएँ क्या होती हैं वास्तविक संख्याएँ इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं तो मैंने एक नंबर लाइन बनाई कि माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं सबकी सब क्या कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं सिर्फ जिनके साथ आई लगा हुआ होता है यानी आयोटा लगा हुआ होता है उन्हें इमेजनरी संख्या या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं सिर्फ आई वाली संख्याओं को छोड़ दिया जाए यानी जिन संख्याओं के साथ जैसे टू लिख दिया हमने कहीं तो इस तरह के की संख्याओं को छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्याएं बचीं वो सब की सब क्या है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं और नंबर लाइन बनाएंगे तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक कहने का मतलब है जीरो एक दो तीन चार पाँच या फिर माइनस में भी सब सबकी सब वास्तविक संख्याएँ या रियल नंबर कहलाएंगे साथ ही साथ इसमें मान ली एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार कहने का मतलब है एक से दो के बीच में जितनी भी पॉइंट में संख्याएं होंगी तो वो कहलाएंगे ऐसे एक बटा दो एक बटा तीन एक बटा चार यानी कुछ भी वन पॉइंट समथिंग या टू पॉइंट समथिंग कहने का मतलब है दस मल्ब में जितनी संख्याएं होंगी वो सबकी सब भी किस में आएंगी वास्तविक संख्याओं में आएंगी प्लस में हो माइनस में हो कोई संख्या या दस मल्ब में हो सबकी सब क्या कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी अब समझिए यहाँ पर मैंने वास्तविक संख्याओं को दो संख्याओं में विभाजित किया था उस दिन एक तो थे पूर्णांक पूर्णांक का मतलब था कि पूरे पूरे अंक जैसे एक दो तीन चार पाँच छः जो भी हैं पूरे पूरे अंक कहलाएंगे पूर्णांक उसके बाद क्या था दसमलव वाली संख्याएं ठीक है थीके? तो पूर्णांकों पर हम लोग बात कर चुके हैं आज हम देखेंगे ऐसी संख्याएँ जो दसमलव वाली संख्याएँ ठीक है दस दशमलव में हम देखते हैं एक कहलाता है शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग एक होगा अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग शांत या अशांत क्या होंगे यानी मान लीजिए अगर मैं यहां पर लिख दूं एक बटा दो ठीक है एक बटा दो पूरा पूरा कट जाएगा क्या आएगा ये पॉइंट फाइव ठीक है तो इसे क्या कहेंगे शांत या टर्मिनेटिंग यानी ऐसा जो पूरा पूरा एकदम से कट जाएगी कोई संख्या जैसे एक बटा दो या मैं लिख दूँ एक बटा चार सीधा सीधा कटेगा क्या आएगा पॉइंट टू फाइव यानी पूरा पूरा भाग चला जाएगा इसमें ठीक है तो वो कहलाएंगे शांत और ये शांत ऐसे ही लिखा जाएगा ऐसे नहीं लिखा जाएगा ठीक है तो कभी लगे कि नहीं तो ऐसे नहीं ये शांत ऐसे लिखा जाएगा टर्मिनेटिंग यानी ये शांत हो गया यहाँ पर पूरा पूरा कट गया तो एक तो दस में ऐसी संख्याएं आ जाएंगी जिन्हें अगर हम पूरा पूरा कट जाएगा अगर मैं पॉइंट फाइव को दोबारा से बटे में बदलूँ तो क्या हो जाएगा इसे हटाएंगे यहाँ लिखेंगे तो एक बटा दो ठीक है तो पूरा पूरी जो संख्याएं कट जाएंगी बटे वाली वो आएंगी शांत या टर्मिनेटिंग में इसके बाद आएगा अशांत या नॉन टर्मिनेटिंग इसमें दो तरीके की चीजें आती हैं कैसे जैसे मान लीजिए इसे मैं यहाँ पर समझा दूँ जैसे एक बटा तीन ले लिया हमने ठीक है एक बटा तीन तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना आएगा पॉइंट थ्री, थ्री 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 ऐसे चलते चली जाइए अनंत तक ये कभी खत्म नहीं होगा तो कहने का मतलब है थ्री, थ्री 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 करके ऐसे करके चलती चली जाएंगी संख्याएं अनंत तक उसके बाद जो अशांत दशमलव मतलब है इसमें और संख्याएं किस प्रकार की आएंगी जैसे मान लीजिए रूट टू की वैल्यू होती है जैसे तो वन पॉइंट फोर वन मतलब इसमें क्या होगा कि रिपीटेशन नहीं होगा मैं इसको अपनी तरफ से लिख दूँ जैसे टू थ्री एट कुछ भी पर इसमें क्या है रिपीटेशन नहीं है यहाँ पर क्या है थ्री 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 रिपीट होता चला जाएगा तो अशांत दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव यानी जो कभी शांत नहीं होगा अनंत तक चलता चला जाएगा उसमें दो प्रकार की चीज़ें होंगी एक तो होंगी आवृत्ति आवृत्ति का मतलब है रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा चाहे एक संख्या का रिपीटेशन हो चाहे दो संख्याओं का जोड़ा रिपीट हो या तीन संख्याओं का जोड़ा रिपीट होगा बार बार ठीक है दूसरी क्या होंगी जिसमें आवृत्ति यानी नॉन रिपीटिंग यानी रिपीटेशन नहीं होगा जैसे कि रूट टू की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो रिपीट नहीं होगी उसके बाद अलग अलग संख्याएँ उसमें आती चली जाएंगी जैसे पाई की वैल्यू है ठीक है तो पाई की वैल्यू में क्या है कि इसमें अलग अलग संख्याएँ आती चली जाएंगी सत्तर हज़ार तक अस्सी हज़ार तक पर उसमें रिपीट नहीं होगी संख्याएं ठीक है थीके? चलिए तो अब तक हमने जाना था कि दस की संख्याएं दो प्रकार की थी एक तो था शांत टर्मिनेटिंग दस मलग, एक था अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग यानी जो खत्म नहीं होंगे ऐसे दस मलग, और शांत यानी जो खत्म हो जाएंगे जैसे वह एक बटा दो अगर इसको मैं करूं तो एक ये हो जाता है पॉइंट फाइव ये पॉइंट टू फाइव हो जाएगा और ये पॉइंट टू यानी ऐसे दशमलव जो शांत हो गए ये शांत दशमलव उसके बाद अशांत दशमलव दो प्रकार के थे आवृत्ति वाले यानी जिनमें रिपीटेशन होगा संख्याओं का एक थे जिनमें आवृत्ति नहीं होगी पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया था आपको एक बटा तीन एक बटा तीन को जब भाग देंगे हम तीन से एक में तो ये आ जाएगा पॉइंट थ्री 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 इस तरीके से तीन का रिपीटेशन इसमें होता चला जाएगा उसके बाद दस बटा तीन लेंगे तो ये आ जाएगा तीन पॉइंट तीन 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 ऐसे ही असंख्य संख्याओं तक रिपीटेशन होगा यानी आवृत्ति होती रहेगी उसी तरीके से मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है वन पॉइंट टू वन थ्री टू वन थ्री टू वन थ्री तो इसका मतलब है इसमें तीन संख्याओं का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो इसमें क्या है आवृत्ति वाले एक और चीज़ यहाँ पर समझ लीजिए जब भी आवृत्ति होती है तो हम उसको किससे दर्शाते हैं बार से अगर मान लीजिए पॉइंट थ्री 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 ऐसे आ रहा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं तीन के ऊपर क्या लगा देंगे बार ठीक है तीन के ऊपर बार लगाने का मतलब है कि ये तीन संख्या रिपीट हो रही है कहाँ तक अनंत तक ठीक है तो इसको दर्शाने का तरीका ये होता है तीन के ऊपर बार अगर मैं इसको दर्शाऊं तो कैसे दर्शाएंगे इसको वन पॉइंट टू वन थ्री इसके ऊपर बार लगाने का मतलब है कि ये दो सौ तेरह रिपीट होगा बार बार यानी बार 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 इसकी आवृत्ति होगी ठीक है नॉन रिपीटिंग नंबर जैसे टू पॉइंट वन फोर एट सिक्स सेवन थ्री टू वन यानी कुछ भी संख्याएं आती चली जाएंगी पर कोई भी संख्या जैसे ऐसा नहीं होगा कि एक बराबर रिपीटेशन चलेगा इसमें रिपीटेशन यानी आवृत्ति बार बार नहीं होगी ऐसे थ्री पॉइंट वन सेवन सिक्स एट कुछ भी संख्याएं चलती चली जाएंगी अलग अलग पर इसमें नंबरों की आवृत्ति नहीं होगी इसमें मोस्टली नंबर कौन से आते हैं जैसे रूट टू रूट थ्री रूट फाइव ऐसे ही रूट में जिनका पूर्ण वर्ग मतलब बाहर नहीं निकलने का जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर रूट फोर लिखूँ तो रूट फोर का मतलब ऐसे रूट से बाहर निकाल लेंगे प्लस माइनस टू आ जाएगा बाहर ठीक है तो ऐसी संख्याएं नहीं जिनका पूर्ण वर्ग बन जाएगा मतलब कहने का मतलब रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सिक्स सेवन तो इस तरीके की संख्याएं किस में आ जाएंगी इसमें आएंगी नॉन रिपीटेड में ठीक है अब ये हमने समझा क्यों इसको समझते हैं जैसे आप लोग पढ़ते हैं परिमेय या अपरिमेय संख्याएं तो परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के लिए ही हमने ये चीज समझी तो इधर ये पूर्णांक और ये शांत दशमलव और ये अशांत में रिपीटेड वाला यानी ये दोनों इन तीनों को कहा जाता है परिमेय संख्याएँ ठीक है क्या होती है परिमेय अभी जानेंगे इसको क्या बोलेंगे ना परिमेय संख्या ठीक है परिमेय संख्या इंग्लिश में बोलते हैं इसे रेशनल नंबर ठीक है रेशनल नंबर और ये वाला जो नॉन रिपीटेड वाला सिर्फ ये वाली लाइन है ना अशांत होगा और रिपीटेशन नहीं होगा इसको बोलेंगे क्या अपरिमेय क्या बोलेंगे इसको ए संख्या या इरेशनल नंबर ठीक है अपरिमेय संख्या और पूर्णांक आ जाए या फिर एक बटा दो एक बटा चार कुछ भी आ जाए या पॉइंट में रिपीटेशन वाला आ जाए इन सबको क्या बोलेंगे परिमेय संख्या अब इनको समझते हैं चलिए अब समझते हैं परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर क्या होते हैं वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है कहने का मतलब है जिन भी संख्याओं को बटे की फॉर्म में लिखा जा सके वो सब की सब क्या होंगी परमे संख्याएं यानी रेसलन नंबर होंगे ठीक है अब समझिए यहाँ पर पी और क्यू क्या है पी और क्यू पूर्णांक है ठीक है पूर्णांक मैंने बता दिए थे आपको पूर्णांक क्या होते हैं जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू कुछ भी कहने का मतलब है प्लस में हो कोई संख्या बस पूरा अंक होना चाहिए चाहे माइनस में हो सबके सब क्या होंगे पूर्ण अंक होंगे कहने का मतलब है पी की जगह जीरो वन टू थ्री प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है ऐसे ही क्यू की जगह भी पूर्णांक हो सकते हैं सिर्फ एक पूर्णांक नहीं होगा क्या जीरो क्योंकि मान लीजिए अगर किसी संख्या के बटे में अगर हम क्यू कहाँ पर है बटे में नीचे लिखा हुआ है अगर किसी संख्या के नीचे हम जीरो लिखेंगे मान लो मैं दो ले लूँ पी की जगह पर और क्यू की जगह पर क्या लिख दूँ जीरो लिख दूँ तो ये क्या हो जाती है अनंत यानी जीरो से जब भी हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो क्या बन जाती है अनंत बन जाती है ठीक है तो कहने का मतलब है अनंत को नहीं लेंगे इसमें तो इसलिए क्या हो जाएगी परिमेय संख्याओं में यानी क्यू की जगह जीरो नहीं लिया जाएगा तो वो सभी संख्याएँ जिन्हें p बटा q की फॉर्म में लिखा जा सकता है बट q की जगह क्या नहीं लेना है जीरो नहीं लेना है सबकी सब क्या बन जाएंगी परिमेय संख्या p और q क्या है p की जगह जीरो वन टू थ्री माइनस में प्लस में कुछ भी ले सकते हैं ऐसे ही q की जगह सिर्फ जीरो को छोड़ के प्लस का वन माइनस का वन टू थ्री फोर फाइव से कुछ भी लिया जा सकता है तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम परिमेय संख्याएं बोलेंगे यहाँ से प्रश्न कैसे पूछा जाता है कई बार वो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है या कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है या फिर प्रश्न वो पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से जैसे मान लीजिए दे दिए रूट सिक्सटीन कौन सी संख्या है परिमेय है अपरिमेय है पूर्णांक है क्या है ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं जैसे मैंने उदाहरण के लिए दिया हुआ दो बटा तीन तो ये क्या हो गया पी और ये हो गया क्यू यानी की फॉर्म में लिखा जा सकता है यानी ये हमारी परिमेय संख्या है तीन बटा चार ठीक है तीन बटा चार यानी पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा गया ये भी है चार बटा सात ये भी है चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस दो क्या ये परिमेय संख्या है माइनस दो ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि बटे में एक लिखा जा सकता है और की जगह सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए एक दो तीन चार कुछ भी हो सकता है तो कहने का मतलब है वे संख्याएं जो पूरा पूरांक लिखे हुए हैं जैसे प्लस माइनस का दो एक पाँच छः सात आठ नौ दस जितने भी पूर्णांक हैं वो भी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएंगे क्योंकि उनके बटे में एक तो लिखा ही जा सकता है सबके बटे में ठीक है तो ये भी क्या है परिमेय संख्याएँ हैं उसके बाद रूट वाली संख्याओं पर आ जाते हैं कि रूट का सिक्सटीन रूट का पच्चीस तो कहने का मतलब है बेशक ये संख्याएं रूट के अंदर दिखाई दे रही हैं पर ये रूट से बाहर आ सकती हैं तो वो संख्याएं जो रूट से बाहर निकल सकती हैं पूरी पूरी उनको क्या बोलेंगे परिमेय संख्याएं जैसे रूट सिक्सटीन को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस चार इसका क्या आएगा रूट से बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस पाँच तो ये भी किस में आ जाएगा परिमेय संख्याओं में आ जाएगा परंतु इसके अलावा मान लीजिए रूट टू रूट का थ्री ये पूरे पूरे रूट से बाहर नहीं आएंगे तो ये किस में चले जाएंगे ए परिमेय संख्याओं में चले जाएंगे ठीक है तो संख्याएं रूट में जो रूट से बाहर पूरी पूरी नहीं निकलेंगी वो तो अपरिमेय में जाएंगी परंतु अगर रूट में कोई ऐसी संख्या है जो रूट से बाहर पूरी पूरी निकल आएगी वो किस में चली जाएगी परिमेय संख्याओं में चली जाएगी तो परमेय संख्याएं आपको समझ में आ गई होंगी जितने भी पूर्णांक हैं यानी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ सबके सब किस में आएंगे परमय संख्याओं में जितनी भी संख्याएं बटे में लिखी हुई हैं सबके सब किस में आ जाएंगी परमेय संख्याओं में तीसरे नंबर पर कौन सी जो रूट के अंदर है और रूट के अंदर भी जिनमें से रूट पूरा पूरा बाहर निकल जाएगा यानी रूट हट जाएगा जिनका तो वो भी सब क्या किस में आ जाएंगी परमय संख्याओं में आ जाएंगी ठीक है तो परमय संख्याओं में कौन कौन आ गए पूर्णांक आ गए सबके सब पूर्णांक आपको पता ही है एक दो तीन चार प्लस के हों चाहे माइनस के हों दूसरी संख्याएं जो बटे में लिखी जाएंगी वो सब भी किस में चली जाएंगी इसमें आ जाएंगी परमे संख्याओं में तीसरी कौन सी होंगी जो रूट में है पर रूट से पूरी पूरी बाहर निकल आएंगी जैसे सोलह है रूट में कोई नौ दे दे रूट में पच्चीस दे दे ठीक है रूट में छः सौ पच्चीस दे दे यानी जिन संख्याओं का रूट खत्म हो जाएगा यानी पूरे पूरी बाहर आ जाएंगी निकल करके पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होंगी वो सबकी सब क्या होंगी परमे संख्याओं में आ जाएंगी अब आ जाइए अपरिमेय संख्या क्या होती है इसमें एक्सेप्शनल भी जानेंगे जैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे पाई या बाईस बटा सात मैंने नहीं बताया उसको भी बताएंगे ठीक है तो अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर क्या होते हैं ठीक है इसको समझ लीजिए यानी जिन संख्याओं को p बटा क्यू के फॉर्म में न लिखा जा सके इस रूप में न लिखा जा सके उनको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं ठीक है यानी जिन्हें बटे के रूप में न लिखा जा सके उन्हें क्या बोल देंगे अपरिमेय संख्याएं मैंने आपको बताया था बे संख्याएं जिनका दसमलव के बाद ना तो वे रिपीट होती हैं ना तो आवृत्ति होती है और ना ही कहीं जा करके ख़त्म होती हैं ए में यानी जिन्हें माँ पाई नहीं जा सकता अनंत तक चलती चली जाएगी पर में यानी जिन्हें माँ प जा सकता है ठीक है ऐपर में यानी अनंत तक जा रही है जैसे पाई की वैल्यू भी होती है जैसे थ्री पॉइंट वन सेवन सिक्स एट नाइन थ्री टू फोर कुछ भी चलते चली जाइए अनंत तक कहने का मतलब है इसमें ना तो नंबर रिपीट हो रहा है ठीक है और ना ही ये संख्या कहीं जाकर के ख़त्म हो रही है वो क्या कहलाएगी ए संख्या कहलाएगी बस ठीक है तो इनमें कौन से होते हैं जैसे रूट टू रूट टू की वैल्यू कहीं पर जाकर खत्म नहीं होगी बस हम लोग याद कर लेते हैं वन पॉइंट फोर वन ठीक है इतनी याद कर लेते हैं जब सवाल वगैरह निकालते हैं पर इसके आगे अनंत तक कहीं पर जाके ख़त्म नहीं होगी रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन ये सब के सब क्या है यानी रूट में से पूरा पूरा नहीं निकलेंगे ये बाहर यानी पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे हमारे अपरिमेय में अगर मैं कहूँ रूट नाइन क्या ये अपरिमेय संख्या है तो रूट नाइन में से क्या होगा इसमें से तीन यानी पूर्ण वर्ग है किसका तीन का तो इसका जब बाहर निकल आएगा यानी इसका मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस तीन तो ये अपरिमेय नहीं है ठीक है तो ये किस में आ जाएगी परिमेय संख्याओं में कहने का मतलब है इसकी बस एक ही पहचान है कि रूट के अंदर होंगी संख्याएं और दूसरी बात रूट से पूर्ण वर्ग बाहर नहीं निकलेगा तो वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी ठीक है रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन रूट इलेवन पर रूट में अगर मैं कहूँ पच्चीस तो इसका मतलब है यहाँ से बाहर निकल जाएगा पूरा पूरा पूर्ण वर्ग है ये तो इसका वर्गमूल लिया जा सकता है क्या आ जाएगा प्लस माइनस पाँच तो ये अपरिमेय नहीं है तब ये क्या कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी क्योंकि इसको पाँच बटा एक लिखा जा सकता है ठीक है तो परिमेय अपरिमेय में आपको अंतर समझ में आ गया होगा इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है जैसे पाई का मान क्या होता है एक तो पाई होता है इसको लिखते हैं बाईस बटा सात ठीक है तो ये किस में आएगा अगर मैं बाईस बटा सात लिखूँ पाई का मान तो ये चला जाता है परिमेय संख्याओं में इसको नोट करके लिख लीजिए अगर बाईस बटा सात है तो ये किस में जाएगा परिमेय बाईस बटा सात परिमेय संख्याओं में जाएगा अगर हम पाई लिखेंगे तो ये अपरिमेय में जाएगा ठीक है क्योंकि पाई का मान कहीं जा करके खत्म नहीं होता है पाई का मान याद करने के रिकॉर्ड भी बनाए जाते हैं ठीक है तो पाई लिखेंगे तो अपरिमेय परिमेयर बाईस बटा सात लिखेंगे तो परिमे बाईस बटा सात परिमे बस याद करने का तरीका इस तरीके से रखिए पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है तो परिमे बन जाएगा पाई पी वटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है तो ये अपरिमे बन जाएगा ठीक है ये पी बटा क्यू की तरीके से लिखा हुआ है तो प्रश्न पूछा जाए बाइस बटा सात क्या है तो पी अपन क्यू के रूप में लिखा हुआ है तो परिमे है और पाई क्या है अपरिमे है ठीक है चलिए अब आगे कुछ प्रश्नों को देखते हैं चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स देख लेते हैं अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा गया है कि अगर किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ेंगे तो रिजल्ट में परिमेय संख्या मिलेगी ए परिमेय मिलेगी या कौन सी संख्या मिलेगी और दूसरा प्रश्न है परिमेय और अपरिमेय की गुणा करने पर हमें कौन सी संख्या मिलेगी ठीक है तो याद रखिएगा अगर हम परिमेय में ए जोड़ेंगे जैसे मान लीजिए वन ऐसे मान लो वन यह क्या है एक परिमेय संख्या है इसमें मैंने एक वर्ग पर अपरिमेय संख्या बोल दी जोड़ दी वन फोर टू तो, सिक्स एट नाइन सेवन कुछ भी ठीक है तो इससे जो हमें संख्या मिलेगी जैसे मान लो टू पॉइंट सेवन फोर फाइव कुछ भी तो ये कौन सी संख्या मिल रही है इसमें रिपीटेशन खत्म हो जाएगा ठीक है तो कहने का मतलब है जो हमें संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी अपरिमेय मिलेगी क्या मिलेगी अपरिमेय मिलेगी ठीक है तो अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत बेहतर है ना आए तो बस इतना याद रखिए परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय ही मिलेगी क्योंकि ये तो समान संख्याएं हो गई ये टेढ़ी मेढी संख्याएं जब जोड़ेंगे तो टेढ़े मेढे नंबर ही मिलेंगे रिपीटेशन किसी एक नंबर का हमें नहीं मिलने वाला है ठीक है कहने का मतलब आवृत्ति नहीं मिलेगी किसी नंबर की तो क्या बन जाएगी ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी तो परिमेय प्लस अपरिमेय अपरिमेय मिलेगी अगर परिमेय में अपरिमेय की गुणा कर दे तो तब भी हमें ऐसे ही नंबर मिलेंगे तो उस टाइम भी कौन सी संख्या बन जाएगी एपरिमे अभी देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर तो कौन सी मिलेगी एपरिमय जैसे मान लो प्रश्न पूछा जाए टू रूट थ्री क्योंकि ये तो क्या हो गई परिमेय संख्या हो गई ये क्या है परिमेय संख्या और ये क्या है अपरिमेय संख्या इन दोनों की अगर हम गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या मिलेगी हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया है कि टू रूट थ्री कैसी संख्या है परिमेय या अपरिमेय तो कैसी संख्या है यह अपरिमेय क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों की गुणा करेंगे तो हमें अपरिमेय संख्या मिलेगी क्योंकि मान लीजिए टू की गुणा तुमने करीब सेवन थ्री सिक्स उसी में भी तो उसमें भी हमें रिपीटेशन कहीं नहीं मिलेगा यानी अलग अलग अंक ही मिलेंगे या अलग अलग अंकों में गुणा करी जाएगी तो कहने का मतलब हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगी ठीक है चलो अब टेस्ट कर लेते हैं जैसे पाई पाई किस में आएगा परिमेय या अपरिमेय में ठीक है तो ये किस में जाएगा अपरिमेय में मैंने बताया था पाई अपरिमेय में अगर बाईस बटा सात लिखा होगा तो ये जाएगा परिमेय में सात और रूट इलेवन अगर खाली रूट इलेवन पूछा जाएगा तो ये क्या है अपरिमेय और ये क्या है सात परिमेय परिमेय और अपरिमेय की गुणा करने के बाद कैसी संख्या मिलती है अपरिमेय ठीक है तो ये भी किस में चला जाएगा अपरिमेय एक बटा रूट सेवन तो मैंने बताया है कि रूट सात क्या होता है अपरिमेय होगा ठीक है तो ये भी किस में चला जाएगा हमारा अपरिमेय में अगर किसी को चेक करना है कि अगर ये समझ में ना आए तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि एक बटा रूट सात लिखा हुआ है इसमें रूट सात की गुणा कर दो ऊपर और रूट सात की कर देंगे नीचे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा रूट सात और रूट सात की गुणा ये हो जाएगा एक बटा सात और ऊपर किस में आ जाएगा रूट सात इस तरीके से लिखा जा सकता है ठीक है रूट साथ ऊपर आ जाएगा साथ सात की गुणा करेंगे सात आ जाएगा नीचे तो ये क्या बन जाएगा परिमेय और ये बन जाएगा अपरिमेय परिमेय की गुणा अपरिमेय में करेंगे तो कैसी संख्या मिलेगी अपरिमेय ठीक है तो या फिर याद कर लीजिए रूट सेवन है जाहिर सी बात है पूरा पूरा बाहर नहीं आएगा यानी पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या बन जाएगा ये अपरिमेय ये वो प्रश्न है जो पूछे गए हैं रूट टू क्या है परिमेय या अपरिमेय तो ये भी क्या है हमारी अपरिमेय क्योंकि ये रूट से बाहर पूरा पूरा नहीं आएगा ठीक है रूट टू की जगह ट्वेंटी फाइव कर दूं मैं यानी पच्चीस तो ये पाँच का जो है निकल आएगा इसमें से ये वर्ग बन जाएगा किसका पाँच का या इसका पूरा पूरा वर्ग मूल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा पाँच आ जाएगा प्लस माइनस के तो ये क्या बन जाएगा उस टाइम परिमेय अगर रूट टू है तो क्या बनेगा ये अपरिमेय अगर रूट नाइन तो ये प्लस माइनस तीन यानी बाहर निकल आएगा तब ये क्या बन गया हमारा परिमेय ठीक है तो ये बन गया हमारा परिमेय इसके बाद आ जाइए यहाँ पर परिमेय और ये क्या है अपरिमेय परिमेय परिमे में ए परिमे जोड़ेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा अपरिमेय ठीक है और उसी तरीके से ये भी अगर माइनस भी करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा ए परिमेय ही मिलेगा क्या मिलेगा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी ठीक है अब उसके आ जाइए वन पॉइंट सेवन सिक्स के ऊपर क्या लिखा हुआ है बार मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई संख्याएँ रिपीट होंगी बार बार तो उनके ऊपर क्या लगा देते हैं बार तो कहने का मतलब है इसका मतलब है सेवन सिक्स सेवन सिक्स सेवन सिक्स इस तरीके से बार बार ये रिपीट हो रहा है तो जब भी रिपीटेशन होगा तब कौन सी संख्या बन जाएगी परिमेय संख्या है. ठीक है तब क्या बन जाएगी परिमेय संख्या बन जाएगी ठीक है तो इनको किस तरीके से लिखते हैं सिंपल फॉर्म में जब हम भिन्न वाला चैप्टर करेंगे उसमें जानेंगे इसका मान किस तरीके से निकाला जा सकता है ठीक है उसी तरीके से 1.121 यानी 21 के ऊपर बार है तो कहने का मतलब है जो है ये ये जो 21 करके बार बार रिपीट होगा यहां पर ठीक है टू वन टू वन करके तो रिपीट होगा तो क्या बन जाएगा ये हमारा परिमेय उसके बाद 22 बटा सात आ गया मैंने बताया था 22 बटा सात होगा तो क्या कहेंगे इसे परिमेय संख्या बोलेंगे अगर पाई है तो अपरिमेय संख्या इसी के साथ परिमेय और अपरिमेय इससे ज़्यादा प्रश्न इससे नहीं बनते हैं अगले चैप्टर को नहीं इसी में अगले जो टॉपिक होगा उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग